शाक्स, क्या आपने पीना कोलाडा, मोहितो, लॉन्ग आइलैंड आइस टी जैसे कॉकटेल्स पिए हैं? हम में से कोई नहीं पीता। बट इन सब का हीरो इंग्रेडिएंट रम है, जो काफी लोगों का पहला ड्रिंक भी होगा। इंडिया में रम एक 15,000 करोड़ का मार्केट है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर विस्की। लेकिन ग्लोबल ब्रांड्स इस कैटेगरी में आगे चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने इनोवेशन लाया है और इंडियन ब्रांड्स ने वो नहीं किया, इसलिए रम्स इंडियन स्टोर्स की शेल्फ के बॉटम शेल्फ पे आ गए हैं। तो आज हम ला रहे हैं एक इनोवेटिव न्यू इंडियन रम ब्रांड, जो इन ग्लोबल ब्रांड्स को टक्कर दे सके। नमस्ते शख्स, मेरा नाम ललित कलानी है, मैं मुंबई से हूँ एंड आई एम द फाउंडर ऑफ रॉक पेपर रम। मेरी फैमिली इस इंडस्ट्री से थी, उन्होंने 50 साल से इस इंडस्ट्री में बिजनेस किया है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कुछ कारणों के वजह से उनको अपने ब्रांड्स बेचने पड़े। आज इसी लेगेसी को रिवाइव करने के लिए मैंने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया है। रम की मार्केट में ज़्यादा वैरायटी है ही नहीं, बट वी बिलीव दैट वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, इसलिए हम लाए एक स्पाइस रम। इसके अलावा हमारे पास एक वाइट रम भी है और हम जल्दी न्यू फ्लेवर्स लॉन्च करने वाले हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल कोकोनट, जेस्टी लेमन और रोस्ट कॉफी। आज हम मुंबई और पुणे में 1,000 से ज़्यादा लिकर स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स में अवेलेबल हैं और अब हम इंडिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं एंड ब्रिंग रम बैक टू द टॉप शेल्फ। Our ask is 50 lakhs for a 2% stake in our business. All right. तो आजकल ये नया एक दौर चला है Indian spirits का, and I think they're coming back, वापस fashion में आ रहे हैं. We are now going to enter a new rum revolution. हम लोग पहली brand नहीं है जो rum market में Indian spirits के हिसाब से craft liquor से segment में आए हैं, but हम लोग last भी नहीं है. We are one of the third or fourth new brands in India to come up. कब आपने शुरुआत करी इस business की? हमने October 2022 में ही launch किया है और company register 2021 में हुआ. ठीक है, तो आप product के बारे में बताइए. Sure. तो हमारा spice rum जो है वो actually हमारा flagship product है. वो जो dark वाला? जो dark वाला color आप देख रहे हैं, जिसमें infused Indian spices हैं, जैसे कि long, इलायची, cinnamon. Spice rum अभी एक नया trend है rum market में, जो हमने एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में देखा है और अभी इंडियन स्पाइस रम्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे। वाइट रम इज योर ट्रेडिशनल वाइट रम जो आता है, इज मेड फ्रॉम शुगर केन मोलासेस। हमारा वाइट रम जो है, इट इज इन्फ्यूज विद अ लिटिल बिट ऑफ वनीला इन इट टू गिव यू दैट लिटिल स्मूथनेस वनीला फ्लेवर, एंड वो कॉकटेल्स के साथ ज्यादातर यूज हो जाता है। तो जैसे जापानीज विस्की होती है, यू नो स्कॉटलैंड में होता है स्कॉच, इंडिया में ऐसी कोई स्पेसिफिक अल्कोहल की कोई वो नहीं है ना? फेनी है ना? इंडियन फेनीज भी, अभी इंडियन विस्की सिंगल मॉल्स भी पॉपुलर हो रहे हैं फ्रॉम इंडिया। इंडियन रम्स भी आएंगे, इनफैक्ट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। कोई रीजन ही नहीं है कि इंडिया के रम्स ग्लोबल स्टैंडर्ड या ग्लोबल रूल नहीं करे। बिल्कुल, 15,000 करोड़ का मार्केट ग्रो कर रहा है। तो 2021 और 2022 के बीच में रम का मार्केट ओवरऑल 17% ग्रो हुआ है इंडिया में, तो इट इज एक्चुअली अ ग्रोइंग मार्केट। इसमें क्राफ्ट रम का मार्केट कितना बड़ा है? क्राफ्ट रम करके कैटेगराइजेशन एक्चुअली होता नहीं है। प्राइस पॉइंट वाइज होगा कैटेगराइजेशन, अब बिलो अ सर्टेन प्राइस बहुत बड़ा मार्केट होगा और अबव अ सर्टेन, तो आप जिस प्राइस पॉइंट में खेल रहे हैं वो कितना बड़ा मार्केट है? हमारा जो प्राइस पॉइंट है, इट इज एग्जैक्टली अराउंड द प्राइस पॉइंट ऑफ बकाडी, जो एक मास प्रीमियम ब्रांड है। बकाडी का मार्केट शेयर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 10% मार्केट शेयर है उनका ये मार्केट में। तो इफ वी टेक दैट एज द मार्केट लीडर, क्योंकि वो प्राइस रेंज में उनका अराउंड 98-99% मार्केट शेयर है, एंड दैट सेगमेंट इज व्हाट इज ग्रोइंग, और उनका ग्रोथ लास्ट ईयर 27% था, तो यू कैन एक्चुअली सी दैट मार्केट इज ग्रोइंग। क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि वो लोग वैरायटीज ला रहे हैं और कॉकटेल्स में यूज होना चालू हो गया, एंड द कॉकटेल कल्चर जो ग्रो हो रहा है वेस्टर्न में, अभी इंडिया में भी ग्रो कर रहा है, उसमें रम काफी यूज हो रहा है। तो आपका सेल्स क्या दिख रहा है? 11 महीने में हमने अप्रोक्सीमेटली 4 crores वर्थ ऑफ रॉक पेपर रम बेचा है। नाउ दैट इज द 4 crores वर्थ एट द रिटेल लेवल। एट द रिटेल लेवल उसका जो आफ्टर यू टेक आउट टैक्सेस एंड एक्साइज, उसका नेट रेवेन्यू जो हमारे पास आया अप्रोक्सीमेटली 1 crore rupees है। और इसमें पैसे बचे कि नहीं? नहीं, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में हमें फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टिंग, लाइसेंसिंग, डिपॉजिट्स देने पड़ते हैं, इसलिए फर्स्ट ईयर वी एक्चुअली बर्नड अराउंड 1.5 crores। तो यूनिट इकोनॉमिक्स बता दीजिए ना कि आपका नेट रेवेन्यू से फाइनली प्रॉफिट तक क्या दिखता है आज और आगे कैसे दिखता है? 1 crore नेट रेवेन्यू है, विच इज नेट ऑफ ऑल टैक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर मार्जिन, तो वो हाथ में आया। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख
रुपीज है एंड 1 crore इज आवर सेलिंग प्राइस टू द डिस्ट्रीब्यूटर राइट उसमें से आज हम ट्रेड डिस्काउंट अनदर 35 lakhs इन दैट 1 crore एज ऑफ टुडे बाकी इस जो हाथ में आता है वो हम लोग मार्केटिंग सैलरीज में मार्केटिंग कितना है मंथली अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 lakhs कैसे ऑनलाइन करते हैं आप नहीं नहीं जो सैम्पलिंग्स प्रमोशंस एट बार्स रेस्टोरेंट गॉट इट बाकी सैलरीज हमारा 6 lakhs है तो हमारा बर्न रेट आज की डेट में जो है मंथली बर्न रेट अप्रोक्सीमेटली 8 lakhs है पर मंथ अभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट रेज किया है हाँ जी हमने लास्ट ईयर लॉन्च करने के पहले अप्रोक्सीमेटली 2.5 crores रेज किया था वो किससे रेज किया आपने मोस्टली फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही रेज किया किस वैल्यूएशन पे दैट वाज अ कन्वर्टेबल नोट विद अ 20 crore वैल्यूएशन कैप वो लास्ट ईयर था अक्टूबर 2022 तो वो बर्न हो गया ऑलमोस्ट पैसा सारा ऑलमोस्ट हो गया एंड वी आर ऑलमोस्ट वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर नेक्स्ट रेज दैट वी आर जस्ट क्लोजिंग राइट नाउ और अभी किससे रेज कर रहे हैं वी आर रेजिंग फ्रॉम एंजल नेटवर्क्स एज वेल एज अ कपल स्मॉल इंस्टीट्यूशनल फंड्स कितना रेज कर रहे हैं हम लोग 3 crore रेज करने गए हमारे पास इंटरेस्ट है अभी ऑलमोस्ट 4.5 crore का एंड वी वांट टू वैल्यूएशन 20 crore वैल्यूएशन सो वी हैव गॉन ओवर सब्सक्राइब्ड ललित व्हाई आर यू हियर यार मेरे को समझ ही नहीं आया 3 crore की आपकी डिमांड है आपको 4.5 crore रुपए ऑफर आ चुके हैं इन अ बिजनेस दैट इज हाईली हाईली रिस्की जहां तक मैं देख सकता हूं क्योंकि इसमें ग्रॉस मार्जिन 50% आपने खुद ही कहा डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोशन में चलाया था right. तो इसको बनाते बनाते बहुत साल लगेंगे एक स्केल पहुंचेगा तब पैसे बनेंगे इसमें से आप 50 lakh रुपए सिर्फ लेने यहाँ आए हो right. 20 crore का आपका एक राउंड चल रहा है 3 to 4.5 crore आपने यहाँ पे 25 crore मांगे तो या तो वो निगोशिएशन रूम है तो मतलब उसको हम रफा दफा करके बोल देते हैं यू आर सेइंग 50 लाख्स फॉर 2.5% नॉट फॉर 2% नहीं श्योर सो दैट्स व्हाट आई लव टू ब्रिंग यू ऑल इन फॉर दैट वैल्यूएशन मेरे एक करीबी दोस्त ने बोला था जब इंडिया में बिजनेस करने के लिए तीन रूल्स फॉलो कर इंडिया में निगोशिएशन आपका बर्थ राइट है हां जी फॉलो अप इज योर ड्यूटी एंड डू बोथ ऑफ द अबव विद अ स्माइल तो थैंक यू फॉर रीसेटिंग द वैल्यूएशन सो इट्स 50 लाख्स फॉर 2.5 ओके मुझे लगता है कि ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट सब बढ़िया है एंड जो आप ये फोकस कर रहे हैं कि एक ही मार्केट में डीप जाना चाहिए ये भी काफी सही है मे बी दिस विल बी ठीक है एक सर्टेन साइज ऑफ बिजनेस बन जाएगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा थोड़ा रिटर्न भी आ जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए 4-5x पर मुझे उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है और मुझे नहीं लग रहा मैं वैल्यू ऐड कर पाऊंगा तो इसलिए मैं बाहर हूँ मार्केट अच्छी है मतलब न्यू ब्रांड्स आर कमिंग इन दिस इंडस्ट्री बट जैसे आज तक कोई ब्रांड अभी तक इंडिया में जो जो आए थे ना दे आर ऑल स्ट्रगलिंग बहुत सारे ऐसे बियर ब्रांड विस्की ब्रांड आए हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे थे अभी इट्स एन क्या बोलते हैं अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है ऑल द बेस्ट आई एम आउट फॉर नाउ बट डू वेल थैंक यू देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग और इम्पैक्ट लाने की एबिलिटी आपके बिजनेस में थोड़ी सी कम है स्पेशली बिकॉज ये लॉन्ग टर्म का जर्नी होने वाला है आपके पेरेंट्स ने भी जो बिजनेस बनाया है वो बहुत समय में बनाया है वो कमिटमेंट आप करिएगा अपने आपके लिए जब भी आप इस अपॉर्चुनिटी को परस्यू करें अभी के लिए मैं आउट हूँ आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस ललित भाई यार तुम्हारा ये मार्केट जो है ना सॉलिड मार्केट है और इंडिया में जो IMFL जो कैटेगरी में आप आते हो दैट इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस और आपका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है वेरी प्लेजेंट थैंक यू लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको हमारी क्या जरूरत है बिकॉज यू नो आपके पास ऑलरेडी ऑफर है 3-4 crore का और इसमें ये 4-5-6 साल का जर्नी है जहाँ पर भी जाके कितना बड़ा ब्रांड बनेगा क्योंकि स्पेशली बिकॉज आपकी जो टैलेंट होगी क्रिएटिविटी मार्केटिंग वो तो आप कर नहीं सकते हो बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एडवर्टाइजिंग तो आपको वही गेम खेलना है जो सब खेल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन 50% तो वहीं गायब हो जाता है तो मार्जिन निकालना इज अ रियल हार्ड गेम इन दिस इंडस्ट्री और वो आप समझते ही हो तो ये ऐसा बिजनेस है जहाँ चलो एक तुक्का लिया जा सकता था कि अगर आप वो स्टेज पे होते 50 lakh रुपए डाल के 15-20% मिलता है तो वन कैन गेट टुगेदर विद यू एंड ट्राई टू बिल्ड समथिंग ऑफ वैल्यू लेकिन जिस स्टेज पे हो मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए कोई वैल्यू बन पाएगा फॉर दोज रीजंस आई एम आउट गुड लक थैंक यू सो ललित द एक्साइटिंग पार्ट इज दैट आप फंडामेंटल थिंग कि इंडिया से एक बड़ा रम ब्रांड ग्लोबल होना चाहिए बिकॉज हम शुगर केन से बनता है रम आई थिंक दैट इज समथिंग दैट मुझे लगता है एक काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है एंड ऑफकोर्स इसमें I can help you with figuring out how to, you know, crack distribution offline. क्योंकि हमारा भी 60% business offline आता है. तो आपकी जो current round की valuation है, उसपे मैं आपको 20 lakhs for 1% and 30 lakhs मैं as debt offer करती हूँ at a 10% for a 2-year period.
Anita, deal done. Awesome. You had her at Sugarcane. Yeah. Yes. Just stop that. जिस भी product sugar के आसपास भी बनती है, I'm very interested. Congrats, sir. Thank you so much. All right, man. All the best, man.